नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वर्षा डेगवेकर है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 30 साल से इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। गर्भवती महिला को जब रक्तस्राव होता है तो बहुत डर जाती है। सामान्य तौर पर प्रेगनेंसी में यानी गर्भावस्था में रक्तस्राव नहीं होना चाहिए। एक बार प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो जाती है तो उसके बाद 9 महीने तक रक्तस्राव नहीं होना चाहिए और सीधे प्रसव के वक्त ही ब्लीडिंग दिखना चाहिए। क्या कारण हो सकते हैं अगर उसको रक्तस्राव हुआ है? कुछ कारण फिजियोलॉजिकल है, जैसे जिसको कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जब एम्ब्रियो यानी भ्रूण जब बच्चेदानी में स्थापित होता है उस वक्त जो थोड़ा सा हल्का सा रक्तस्राव होता है उसको कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये सामान्य तौर पर पिछले महामारी के 5वें या 6ठे हफ्ते के बीच होता है। बहुत थोड़ा सा रक्तस्राव होकर रुक जाता है। इससे ज्यादा अगर रक्तस्राव हो रहा है यानी आपको पैड यूज करने की सैनिटरी नैपकिन यूज करने की जरूरत पड़ रही है तो डॉक्टर से अवश्य मिलें। डॉक्टर कई तरह की जाँच करेंगे। एक वो जाँच होगी जिसमें खून जाँच किया जाएगा और आपके शरीर में बीटा एसीजे नाम का हार्मोन पर्याप्त रूप से बढ़ा है कि नहीं उसके बारे में जानेंगे। अगर वो पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा है तो शायद ये प्रेगनेंसी ठीक नहीं है और उसके कारण रक्तस्राव हो रहा है। दूसरा कारण उसका ये हो सकता है कि प्रेगनेंसी यानी भ्रूण जो है वो बच्चेदानी में न होते हुए गर्भनलिका में है जो एक खतरनाक प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। तीसरा जो कारण है ब्लीडिंग होने का वो है भ्रूण तो बच्चेदानी में ही है लेकिन शायद या तो बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है या बच्चे का जो प्लासेंटा है यानी जो आवर है वो नीचे की तरफ बनने की पोजीशन में है उसके कारण गर्भावस्था में ब्लीडिंग हो सकती है। ये तीनों चीजें सिर्फ सोनोग्राफी से हम जान सकते हैं। सोनोग्राफी से जानने के बाद डॉक्टर आपको 2-3 तरह की सलाह दे सकते हैं। अगर गर्भ ठीक है तो उसमें सिर्फ आपको कुछ एक दवाएं इंजेक्शन और कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाएगा। अगर वो भ्रूण बढ़ नहीं रहा है या बीटा एसीजी कम होने का संकेत है तो डॉक्टर ये जानने की कोशिश करेंगे 8-10 दिन बाद कि फिर से अगर जांच हो और उसमें पर्याप्त मात्रा में बीटा एसीजी बढ़ाया जाए बढ़ा दिखाई दे तो इसका मतलब ये ठीक गर्भ है। अगर इनमें से कुछ भी न हो यानी ये गर्भ बढ़ने की स्थिति में नहीं है तो डॉक्टर आपको 8 या 10 दिन बाद रुक कर ये गर्भ को जिसको टर्मिनेशन कहते हैं या उसको निकालने की सलाह दे सकते हैं। इन तीनों कंडीशंस को अलग अलग जान लेना जरूरी है। एक वो हुआ कि जब गर्भ सही अवस्था में है और कुछ एक दवाओं इंजेक्शन से और रेस्ट से वो आगे बढ़ सकता है। दूसरा वो हुआ जिसमें एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसको मोलर प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कह सकते हैं जिसमें कि सर्जरी की जरूरत है। और तीसरा वो है कि गर्भ तो है गर्भाशय में लेकिन वो बढ़ नहीं रहा इसको बाहर निकालना जरूरी है। तो इन चीजों को अलग अलग तौर पे जानने के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। जब भी कभी गर्भावस्था में रक्तस्राव हो डॉक्टर को उसके बारे में तुरंत बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और शेयर करें अन्य महिलाओं के साथ। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए वुमनिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गर्भावस्था संबंधी सारी जानकारी के लिए और डॉक्टर एडवाइस के लिए डाउनलोड करें वुमनिया ऐप। इसका लिंक आपको वुमनिया चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।